नमस्कार दोस्तों, मैं शबाना हाजिर हूँ आपको कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाने प्यार पॉडकास्टर पर। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वैसे ही बहुत लेट हो चुकी थी मैं और ऊपर से कैब वाले ने लॉन्ग रूट ले ली। आज करीब 7 साल बाद मैं उससे मिलने जा रही हूँ और देरी से जाऊंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगा। वैसे तो मैं कॉफी नहीं पीती, मगर उससे मिलने बहाने और क्या मिलेंगे। मैंने कॉफी शॉप में कदम रखा और बेबस उसकी मौजूदगी का पनाह ढूंढने लगी। तभी उसका टेक्स्ट आया, तुम्हारे राइट साइड। तेज धड़कनों से मैंने निगाहें उस तरफ डाली और देखा कि सफेद कुर्ता पहने वो पलट कर मुझे देख रहा था। ये संयोग है कि उसने सफेद रंग पहना, वरना उसे कहाँ पता कि मुझे सफेद पसंद है। शायद मैंने कभी बातों में कहा होगा, मगर क्या सच में उसने मेरे लिए पहना होगा। ये सब ख्याल समेट कर मैं आगे बढ़ी और उसके सामने बैठ गई। शायद ट्रैफिक में फंस गई थी, ये कहकर उसने शानदार तरीके से माहौल बदल दिया। हाँ कहकर मैंने भी उसे जवाब दे दिया। इतने साल बीत गए, मगर उसके बातों की सादगी वैसी ही रही। वो कितना आवारा सा रहता था पहले, मगर आज जब वो मिलिट्री से लौटा है तो मानो कोई अलग शख्स ही मेरे सामने बैठा है। मगर उसकी आंखें वैसी ही हैं, काले बादल जैसी। कोई भी उसके एक नज़र से घायल हो सकता है। उसे मुश्किल से 2 हफ्तों की फुर्सत मिली और आते ही उसने मुझसे मिलने की फरमाइश क्यों की। क्या वो भी मेरी ही तरह कुछ कहना चाहता है? मैं ऐसा सोच ही रही थी, ऐसे में उसने कहा कि वक्त कितना जल्दी बदलता है ना माहिरा। उसके लबों से मेरा नाम निकला तो मानो पहली दफा मुझे मेरे नाम से मोहब्बत हो गया। हाँ पार्थ, तुमने कुछ कहने के लिए बुलाया था, आखिर मैंने हमारे मुलाकात की वजह पूछ ली। इतनी बेसब्र क्यों हो रही हूँ मैं? अगर उसने बुलाया है तो बताएगा ना, क्यों बिना वजह के बेबस हो रही हूँ? उसने जवाब में कहा, नहीं बस तुमसे मिलने का मन कर रहा था। ये सुनते ही मानो सारी उम्मीदें फिसल गई ख्याल से। मगर उसने तो कुछ कहने के लिए बुलाया था। उसकी नजरें बिखरी बिखरी और लिहाज भी बदला बदला सा है, जैसे वो कुछ कहने से झिझक रहा हो। मैंने भी फिर से पूछने की तकल्लुफ नहीं दी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो फौज में बिताए लम्हों के बारे में बातें करने लगा। उसने बताया कैसे वो रेत को देखते वक्त बिताया करता था और कैसे दोस्त परिवार बन गए थे। अक्सर मैं खामोश रहती हूँ और वो ज्यादा बातें करता है, और उसकी बातें भी नादान बच्चों जैसी, कितना भी सुन लो मन नहीं भरता। साल ब साल बीत गए, मगर पार्थ वैसे का वैसा ही है। उसने सारी बातें बताई और मुझसे 2-4 सवाल पूछे, जिसका मेरा सिर्फ एक लफ्ज में जवाब होता है। मैं सोच ही रही थी कि लम्हा ठहर जाए और मैं यूं ही बैठी रहूं उसके सामने, कि इतने में मुझे कॉल आया। अननोन नंबर था। मैंने कॉल आंसर किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, एम आई स्पीकिंग टू माहिरा कश्यप? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेंटिंग्स हमारे एग्जीबिशन के लिए अप्रूव हो चुकी हैं और कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको आज हमारे ऑफिस पे आके पूरे करने होंगे। बस ये सुनते ही मानो मेरा लम्हा थम सा गया और मैंने मेरे सामने बैठे उस पर मेरे नज़रें डाले। वो अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था, मगर उस लम्हे में मुझे महसूस हुआ कि उसका होना मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाता है। वो अनजान है सबसे, मगर उसका होना ही अच्छा है, खुशी भरा है। मैंने फ़ौरन अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली और फ़ोन रख के पार्थ को बताया कि कैसे मैंने 2 साल मेहनत किया इस प्रोजेक्ट के लिए और अब जाके मेरे पेंटिंग्स को अप्रूवल मिला।
वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे पता था तुम कर दिखाओगी, तुम बहुत जिद्दी हो, जीत कर ही मानोगी। अपनों की तारीफें ही तो खुशियां बढ़ाते हैं और उस वक्त मुझे कुछ ऐसा ही लगा। हमने कुछ इधर उधर की बातें, उसने बुलाया तो कुछ बताने के लिए था मगर शायद वो बोल नहीं पाए, या शायद मैंने ही कुछ ज्यादा सोच लिया, पता नहीं। इतने में मेरा कैब आया और उसने हल्के से कैब का डोर ओपन किया और कहा, पहुंचते ही टेक्स्ट कर देना। शायद मेरा मन कुछ और सुनना चाह रहा था जो बात कह नहीं पा रहा था। मैं मन ही मन उसके साथ बिताए लम्हों को दोहरा रही थी, इतने में उसका टेक्स्ट आया कि कल मिलना चाहोगी, सेम प्लेस सेम टाइम। मुझे मेरा जवाब मिल गया। बस ऐसी थी एक कहानी। अगर आप भी अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में।